तो दोस्तों आपको भी कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने की जरूरत जरूर पड़ी होगी, जैसे कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम भाग जाते, या फिर अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कोई काम नहीं करते, या फिर अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे पीट देता। तो इस तरह के सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए अपनी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने वाले एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में, जो है आपका, सबसे पहले आपका आएगा इफ और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद प्लस में आपका आएगा हैड माई वे, और उसके बाद आपका फिर से सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वुड, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, और इसी में जो देखिए ये आपके दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये दोनों आपके एक ही हैं, यानी कि अगर पहले में यदि आपका आई आएगा तो सेकेंड में भी आपका आई ही आएगा, और जिस तरह से वी या फिर यू पहले में आया उसी तरह से सेकेंड में भी आपका सेम सब्जेक्ट आएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं जिससे आपका डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे मार देते। अब इसकी इंग्लिश देखिए, इफ यू हैड योर वे यू वुड किल मी। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट है इसमें यू है, और दोनों स्थान पर आपको यू ही दिखेगा, और उसके बाद आपका है हैड, और इसमें देखिए एक चीज़ और है जो इसमें आपके लिखी हुई है यूअर, और यूअर के स्थान पर मैंने लिखा हुआ है इसमें माई। तो यहाँ पर जो ये माई है इसके स्थान पर आपका यूअर, देयर, माई, यानी कि जिसके बारे में आप बोलोगे वो इसमें आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर उसका बस चलता तो वो भाग जाता। इफ ही हैड इज वे ही वुड रन। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कुछ ना करने देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नेवर लेट यू डू। तो इस तरह से जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें आप बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के सवाल के बारे में, जो आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो वो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर उसका बस चलता तो वो हम सबको घर से बाहर निकाल देता। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कितने लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे हैं और इसका जवाब सही देते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और यदि अभी तक आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।